So now students, let us see actually in detail how Google AdWords work. So hum isko discuss karenge using infographics, yani pictures. Infographics would be a wrong word. Hum pictures ke zariye main aapko samjhata hu ki Google AdWords actually kaam karta kaise hai. Sabse pehli cheez jo aapne samajhni hai, it start with the search query. Murad ye hai ki main, let's suppose as a end user, maine browser mein likha google.com. उसके बाद मैंने जो भी क्यूरी लिखी है, क्यूरी से मुराद कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, क्योंकि जो एंड यूजर है वो नॉन टेकी भी हो सकता है ना. मतलब मैंने फॉर एग्जांपल अगर डेटाबेस के ऊपर सर्च करनी है, तो अगर मैं टेकी यूजर हूं तो मैं एक्सप्लिसिटली फॉर एग्जांपल लिख छोड़ूंगा कि डेटाबेस प्राइमरी की. और अगर मैं नॉन टेकी यूजर हूं तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं, व्हाट इज अ डेटाबेस डमी, मुझे क्या पता. तो गूगल पे मैं कुछ भी सर्च करूंगा, जो सर्च क्यूरी है उसके लिए ये लाजमी नहीं है कि वो स्पेसिफिक हो. यानी स्पेसिफिक मुराद मैं ये नहीं लिखूंगा कि डेटाबेस बाय सीजे डेट. ये एक बहुत स्पेसिफिक सर्च है कि मुझे वो बुक दिखा दो जो डेटाबेस की सीजे डेट ने लिखी है. सर्च क्यूरी ये होती है कि वो स्पेसिफिक नहीं होती, लेकिन उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं. नहीं भी हो सकते, हो भी सकते. तो स्टेप नंबर वन कि मैंने कुछ सर्च किया google.com के ऊपर, दैट इज स्टेप नंबर वन. Now step number two is जिसको हम लोग बोलते हैं auction. अब ये चीज हमने पहले discuss नहीं की. Reason मैं इस slide का particularly wait कर रहा था. Auction कैसे, यानी आप as a end user कहेंगे कि auction तो मुझे नहीं नजर आ रही, auction कैसे हो रही है Google AdWords में. For example मैंने लिखा Google search engine में football. अब जरूरी नहीं है कि मैंने जो search में football लिखा है उसके अगेंस्ट जो एडवर्टाइजर हैं, यानी जो कंपनीज हैं जो गूगल को पे कर रही हैं एड के लिए, वो एक ही हो. जरूरी नहीं है, लाखों करोड़ों कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट में फुटबॉल का कीवर्ड लिखा होगा. तो अब गूगल के लिए क्वेश्चन ये है कि कौन से एड को यूजर को दिखाना है. लेट सपोज अगर 10 लाख या 1 लाख एडवर्टाइजर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट के अंदर फुटबॉल लिखा है, तो यूजर को कैसे दिखाएं कि कौन सा फुटबॉल के कंपनी का एडवर्टाइजमेंट दिखाना है. इससे मुराद ये है कि जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो एक्चुअली बिड कर रही होती हैं कुछ कीवर्ड्स के अगेंस्ट, और जो और उन कीवर्ड्स की जो बिडिंग है वो बेसिकली ऑक्शन हो रही होती है. तो ऑक्शन से मुराद ये है कि अब आपने, अब गूगल ने यह डिसाइड करना है कि ऑक्शन के बाद 10, 20, 100, 1000 कुछ भी कीवर्ड्स के अगेंस्ट एड आए हैं तो कौन सा एड दिखाना है. अब ये सबसे क्रिटिकल चीज है. दिस इज वेयर योर एड रैंक कम इन. आसान लफ्जों में एड रैंक ही होता है कि अगर फॉर एग्जांपल फुटबॉल के अगेंस्ट 10,000 कंपनीज ने अपना प्रोडक्ट पब्लिश किया हुआ था सर्च इंजन पे, लेकिन टॉप पे तो एक ही आना है, ये इसमें कैच है. तो वो एक कौन सा आना है, उसके दो पैरामीटर्स हैं. एक पैरामीटर है वो अमाउंट जो मैंने गूगल को बताई है, विच आई एज अ कंपनी इज विलिंग टू इन्वेस्ट ऑन अ पर्टिकुलर कीवर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीसी बिड, कॉस्ट पर क्लिक बिड. उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं क्वालिटी स्कोर से. अब क्वालिटी स्कोर को समझने के लिए सिर्फ ये समझें, क्योंकि जो गूगल है ऑब्वियसली उसने अपना जो क्राइटेरिया है क्वालिटी स्टोर का, ऑब्वियसली ये उनका बिजनेस सीक्रेट है, उन्होंने इसको पब्लिक नहीं किया हुआ. बट व्हाट वी कैन इन्फर इज के जो क्वालिटी स्कोर होता है वो बेसिकली ज्यादा उस वक्त होता है जब आपकी जो प्रोडक्ट है एज अ कंपनी ज्यादा रेलिवेंट होती है यूजर की सर्च से. यानी जितनी क्लोज है यूजर की सर्च से आपकी प्रोडक्ट की कीवर्ड, उतना आपका क्वालिटी स्कोर हाई होता है. तो टू सम अप, मैक्सिमम बिड मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर इज एक्चुअली योर एड रैंक पोजीशन. तो ये इक्वेशन है जिसकी बेसिस के ऊपर सारे एड को रैंक किया जाता है. अब फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजर वन है, उसकी मैक्सिमम बिड थी $2 एक क्लिक के ऊपर. उसका जो क्वालिटी स्कोर था फॉर एग्जांपल गूगल ने डिटरमिन किया इट इज 10, तो जो एड रैंक है 10
10 into 2, that is a 20. उसके बाद एडवर्टाइजर 2 आया, उसकी मैक्सिमम बिड थी $4. अब आप ये दिमाग में रखें कि एडवर्टाइजर 2 की बिड ज्यादा है एडवर्टाइजर 1 से, लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर है ना वो 4 है. व्हाट डज इट ट्रांसलेट टू आसान लफ्जों में, कि एक कंपनी है वो पैसे से ज्यादा दे रही है, लेकिन जो उसका कीवर्ड है ना एड के साथ एसोसिएटेड वो रेलिवेंट कम है, यानी उतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है जो यूजर सर्च कर रहा है. दिस इज अ क्रक्स. उसका एड रैंक आ गया 16. अब हमें इस रैंक से यह पता लग रहा है कि जैसे ही फॉर एग्जाम्पल मैंने फुटबॉल लिखा, जो भी टॉप का एडवर्टाइजर है फॉर एग्जाम्पल 20 वाला, इट विल विन दैट पर्टिकुलर बिड. मतलब ये आसान लफ्जों में कि ऑक्शन जो विन की है वो एडवर्टाइजर 1 ने की है ऑन द बेसिस ऑफ एड रैंक, एंड दैट बिड विल बी सोल्ड. सोल्ड से मुराद क्या, कि यूजर को एडवर्टाइजर 1 का एड नजर आ जाएगा. दिस इज हाउ एक्चुअली गूगल एडवर्ट वर्क. अब हम अगले स्टेप में यह देखते हैं कि जो गूगल एडवर्ट है वो इसकी स्कोरिंग कैसे, यानी इसको चार्ज कैसे कर रहा होता है. यानी गूगल ने जब यूजर ने क्लिक करना है तो आपको एज अ कंपनी चार्ज करना है. तो जो चार्ज करने का क्राइटेरिया है ना वो बहुत सिंपल है. जो आपका एड रैंक है, लेट्स सपोज अभी 10 था, उससे एक स्टेप नीचे आ जाए, यानी एडवर्टाइजर 1 को कितने पैसे चार्ज होंगे, वो एडवर्टाइजर 2 का रैंक है डिवाइडेड बाय जो मेरा क्वालिटी स्कोर है, उसमें हम $0.01 ऐड कर देंगे. मतलब एडवर्टाइजर 1 जो है उसका मैक्सिमम बिड थी $2, उसका क्वालिटी स्कोर था 10. लेकिन अब आप देखें जो एक्चुअल चार्ज हो रहा है एडवर्टाइजर 1 को, दैट इज $1.61. मतलब जो एडवर्टाइजर 1 से नीचे वाला एडवर्टाइजर है उसकी रैंकिंग पोजीशन है 16. 16 को डिवाइड करें 10 पे जो एडवर्टाइजर 1 का क्वालिटी स्कोर है, उसमें आप 0.01 ऐड कर दें, दैट वुड बी 1.61. इसी तरह एडवर्टाइजर 2 है, एडवर्टाइजर 2 के लिए जो एडवर्टाइजर नंबर 3 की एड स्कोर है या एड रैंक है, दैट इज 12. उसको डिवाइड करें 4 पे. 4 वो है जो एडवर्टाइजर 2 का क्वालिटी स्कोर है, उसमें 0.01 ऐड कर दें तो ये 3.01 बन गया, एंड सो ऑन. तो आसान लफ्जों में कि जब मैंने एज अ यूजर एंड यूजर गूगल पे सर्च किया फुटबॉल और एडवर्टाइजर 1 का एड आ गया टॉप पे, और अगर मैंने उसके बाद एडवर्टाइजर 1 के एड पे क्लिक किया, दिस इज कॉस्ट पर क्लिक, जब मैंने एडवर्टाइजर 1 के एड पे क्लिक किया है तो मुझे गूगल को पे करने हैं उस वक्त $1.61. और जब एडवर्टाइजर 2 के एड पे क्लिक होगा उस पे वो पे करेगा 3.01, एंड सो ऑन. एंड दिस इज हाउ गूगल वर्क. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो ऑक्शन है ये कितनी को मर्तबा चलती है, मतलब ये जो एड रैंक है ये कितनी को मर्तबा रिफ्रेश करता है. इन अ पर्टिकुलर गिवन डे दिस ऑक्शनिंग प्रोसेस रन्स बिलियंस ऑफ टाइम, महीने में या डेली बिलियंस ऑफ टाइम चलती है. रीजन कि जो वेबसाइट्स हैं वो अपना जो कंटेंट है वो कंटिन्यूसली अपडेट कर रही होती हैं. कंटेंट से मुराद है कीवर्ड्स. अब आपने पूरी डिस्कशन में ये देखा होगा कि इट इज द कीवर्ड रेलिवेंसी विच इज एक्चुअली ड्राइविंग योर बजट. यानी गूगल उस वक्त ज्यादा अर्न करता है जब एडवर्टाइज या जो कंपनी है वो उसके जो एड है वो ज्यादा रेलिवेंट होते हैं क्लाइंट की सर्च से. और जब क्लाइंट ज्यादा एक कंपनी की वेबसाइट पर लैंड करेगा तो उसका वो बेसिकली कंपनी का पोटेंशियल बायर है. तो इट ऑल एंड अप विद बीइंग अ गुड कंटेंट. आपका कंटेंट जितना स्ट्रांग होगा, जितना हेल्दी होगा, जितना रेलिवेंट होगा, उतने ही ज्यादा चांस है कि आप ऑक्शन जीतेंगे और आपका जो एड है वो टॉप पे आएगा. तो दिस इज अ मूविंग टारगेट. जरूरी नहीं है कि एडवर्टाइजर 1 जो अभी हम देख रहे हैं ये पूरी जिंदगी एडवर्टाइजर 1 हमेशा टॉप पे रहे. नो, अगर कोई और दूसरा एडवर्टाइजर सेम कीवर्ड के अगेंस्ट अच्छा स्कोर ले आता है,
या आपने बिड ज्यादा कर देता है तो यू कैन सी कि दिस इज इरिप्लेसेबल, यानी ये रिप्लेस हो सकता है, यानी पोजीशनिंग जो एड की रैंकिंग है वो कंटिन्यूअसली इन अ स्विंग होती है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है. रीजन कि जो कंपनीज हैं वो इसको बेसिकली मॉनिटर कर रही होती हैं एड रैंक की पोजीशनिंग को.